अंकल आपका लगेज। पहले एक तो ही थी जिसे मिस करते थे, अब इसकी भी बड़ी याद आनी है। मम्मा तुसी सैड ना हो, मैं आ जाऊंगी ना, जल्दी जल्दी आ जाऊंगी लुधियाना आपके नाती को लेकर। सरोज जी आप बिल्कुल फिक्र ना करो जी, बहुत जल्द भेज दूंगी अमृता को लुधियाना आपके पास, फिर आराम से बैठी रहिएगा अपनी नाती को गोद में रखकर। चलिए अंकल जी टैक्सी आ गई है। लो जी टैक्सी भी आ गई, टाइम ना पता ही नहीं चल। अरे एक मिनट, एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ हमसे प्रीतम प्यारे। बैठ जा पुत्र, यहीं बैठ जा और नाश्ता भी कर ले, ठीक है? तुम यहाँ आराम से बैठो। ओए सोनी। हाँ? प्रीतम प्यारे को ऑमलेट खिला? मैं बनाती हूँ। रुक, नहीं पहले दवाई खानी है, खाने से पहले। सोनी अंदर से दवाई ले आने यार। मैं लाती हूँ। चल यार हम निकलते हैं, अपना ख्याल रखी। जी ओ बैठा रहे यार बैठा रहे, चल मिलते हैं फिर। कभी आना हमारे यहाँ लुधियाने। जी ये मेडिसिन आपकी। जब तक राहुल मेरे साथ रहेगा तुमसे दूर, तुम तड़पोगे, मेरी हर एक बात मानोगे। तुम मर्दों का क्या है, जानते मुझे कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी है इसको पैदा करने में। ये ले। क्या हुआ? पानी ले पुत्र, कहाँ खोया है? नहीं कुछ नहीं बस। ये आपके लिए सूप। सूप? अब ये सुबह सुबह सूप कौन पीता है? अरे पी ले प्रीतम पुत्र, ताकत मिलेगी। ये सूप हमारी अमृता पुत्र ने तुम्हारे लिए बनवाया है। देखिए इनकी तो दुश्मनी है मुझसे, इन्होंने जानबूझ के बनवाया होगा। पी ले पुत्र पी ले, पहले सूप पी ले फिर ऑमलेट ब्रेड खा लेना। ब्रेड ऑमलेट खा लूंगा वो ठीक है। और सूप? नहीं पीना सूप। अरे वैसे भी मेरे मुंह का टेस्ट चला गया। पी ले पुत्र। और पी ले यारा, सेहत के लिए बड़ी सॉलिड चीज होती है ये। देखिए मुझे नहीं पीना सूप, अच्छी जबरदस्ती है। ये क्या बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं आप, पीजिए चुपचाप। अभी सिर्फ सूप ही दे रही हूँ, इसको पीजिए वरना कमली को बोल के बनवाती हूँ मैं करेले का जूस, और वो भी पीना पड़ेगा आपको। देखिए आप लोग मुझे नीचे लाकर टॉर्चर नहीं कर सकते। आपको टॉर्चर समझना है तो वही सही, सूप तो अब आपको पीना ही पड़ेगा। पी ले पुत्र, अमृता से नहीं जीत पाओगे। हाँ। आप लोग कह रहे हैं इसलिए पी रहा हूं, मगर ये जबरदस्ती है। हाँ हाँ पीजिए चुपचाप। पी ले भाई, इससे कोई नहीं जीत सकता। अब बैठा रहे फॉर्मेलिटी नहीं, चल सूप पी और सेहत बना, बहुत जल्दी जल्दी चंगा हो जा। चलो मिलते हैं। ओए सोनी तू यहीं खड़ी रह, देखना चीटिंग ना करेगी। हाँ भाभी मैं यहीं पे रहूंगी। वैसे भाभी आपकी समझती क्या आपने आपको, अच्छी जबरदस्ती है। बुलाऊं भाभी को? पी रहा हूं। कुलजीते जी भाभी, भाई इस वाली ना अमृता के साथ मैं भी लुधियाने आवांगा, वहां मेरे एक इवेंट रखवा देना बस, मजा आ जाएगा। हाँ जी भाभी, हाँ जी। ठीक है रख दो भाई सामान रख दो। अजी वो हमारी बात तो रह गई थी। कौन सी बात कुलजीते? अरे बता ना। अजी अमृता के बारे में क्या सोचा है? अब तो उसकी डिलीवरी भी हो गई है। आपको याद है ना हमारी बात हुई थी करण के जाने के बाद, बाबूजी भी थे उनके सामने बात हुई थी हमारी। अमृता के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है,
आपको अपना वादा याद तो है ना भाजी? अमृता को सेटल करने के बारे में बात हुई थी। कुलजीत, बस कर। और कितने आंसू बहाएगा तू? है ना, रो मत। करण को सिर्फ अमृता ने नहीं, हम सब ने खोया है गुलजीत। हमारी अमृता विधवा हो गई है पाजी, अभी उसकी उम्र ही क्या है। उधर लुधियाना में उसकी माँ उसके लिए रंगी बिरंगी चूड़ियां खरीदती रहती, कहती कि अमृता जब भी आएगी मैं उसे अपने हाथों से पहनाऊंगी। आज तो अमृता की कलाइया ही सूनी हो गई है। गुलजीत सबर कर, जीवन की प्रक्रिया में ना हम सिर्फ पाते नहीं है, खोते भी हैं। खो तो दिया ना बाबूजी अमृता ने करण को, लेकिन उसकी कोख पे करण की जो निशानी पाल रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया है हमारी अमृता को। ओए ना ना, ऐसा मत बोल यार कुलजीते, यही तो अच्छी खबर मिली है हम लोगों को इतने दिनों के बाद, हमारा करण वापस आ रहा है। कुलजीत आप समझ नहीं रहे हो पाजी, बच्चे के रूप में तो करण आ सकता है लेकिन अमृता के जुआ के रूप में नहीं। ये उम्र है उसके विधवा होने की पाजी, जिंदगी भर वो आपके आंगन में क्या ऐसी घूमती रहेगी? क्या आप लोगों ने सोचा है कि आगे क्या करना है अमृता का? कुलजीत तू सही कह रहा है, अमृता गर्भवती है ये जानकर हम इतने खुश हो गए कि ये सोचा ही नहीं कि अमृता का क्या होगा आगे। आगे क्या होगा, क्या मतलब भौजी? भौजी अमृता की कोख में हमारा वारिस पल रहा है और अमृता की ताउम्र कैद का फरमान। मैंने तो सोचा था कि एक बार अमृता करण के काम से उबर जाए मैं फिर से उसका कार बसा दूंगा, लेकिन ना ना कुलजीते, ये तू क्या बोल रहा है? अमृता हमारे घर में, हमारी जिंदगी में रच बस गई है यार, उसके बिना हम चाहते तो हम भी नहीं थे ना पाजी। लीक मैं तेरा दर्द समझ रहा हूं, अच्छी तरह समझ रहा हूं। सही कह रहा है तू, अमृता का कार फिर से बसना चाहिए। उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां आनी चाहिए, उसकी सोनी कलाई फिर से भरनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है बाबूजी? गुनीत स्वार्थी ना बन, सिर्फ अपने पोते की नहीं अमृता के बारे में सोच। वो बेचारी तो खिलने से पहले ही मुरझा गई है। और तूने क्या कहा था याद है कि अमृता मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है? याद है कि बेटी ऐसे ही कार में जिंदगी भर बैठी रहे है? अपनी खुशी के लिए उसके अरमानों को कुचल देगा? भाजी अमृता की कोख में करण की जो निशानी पाल रही है उससे मुझे भी उतना ही प्यार, उतना ही लगाव है जितना आपको है। और अबे अमृता के बारे में भी तो सोचना होगा ना। करण नाम के दिए को तो भगवान ने बुझा दिया, अब हम अमृता को क्यों बुझाते हैं? बाप की तरह सोच। ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहें। मैं नहीं पुत्र, कुलजीत को बता क्या करेगा तू। हमारी अमृता की जिंदगी नहीं रुकेगी कुलजीत, उसका घर हम बसाएंगे। एक बार इस बच्चे को दुनिया में आ जाने दे यारा।
बाजी, बाजी, बाजी आपने अपना इरादा बदल तो नहीं लिया? बाजी अमृता के भविष्य की बहुत चिंता होती है। यार अमृता की चिंता हमें भी है कुलजीते, और मैं अपना वादा भूला नहीं हूं। यार अब मैं भी अमृता का बाप हूं, उसकी जिंदगी ही जाया नहीं होने दूंगा। एक बार ये सब कुछ सेटल हो जाए ना, उसके बाद हम अमृता को फिर से बसाएंगे। अजी थैंक यू वेरी मच बाजी, आपने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा, रब थोड़ा भला करे बाजी, भला करे। ऐसी कौन सी इमोशनल बात हो रही है आप दोनों के बीच? नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या इमोशनल बात है कुछ नहीं पुत्र, बस सबदी आपस में बात कर रहे हैं और क्या। आओ चलो चलो आओ चलो। दर्द हो रहा है आपको? मैं पिला दूं? मेरा मतलब है मैं हेल्प कर दूं आपकी? कोई हेल्प नहीं चाहिए, स्पेशली इतनी बकवास चीज के लिए। कौन पीता है ये सूप सुबह सुबह? और देखिए अब मुझसे और ये पिया भी नहीं जा रहा। ये गुनीत जी अचानक चुप क्यों हो गए थे? ऐसे ही चले गए, कुछ बात भी नहीं की। अरे दुकान जाना था ना उसे। हाँ अमृता ला मुन्ने को मुझे दे दे। सोनी इसके दूध की बोतल लिया, मैं इसके कपड़े चेंज कर देती हूँ। आप रो रही? मैं रो नहीं रही हूं, और प्लीज पिछली बार की तरह तमाशा मत बनाइए। माँ बाप गए हैं, आंखें तो खिली हो ही जाती है पुत्र। अमृता तू थोड़ा आराम कर ले जाकर। हाँ सोनी ले जाए इसे कमरे में। जी चलिए मैम कमरे में चलते। नहीं सोनी मैं ठीक हूं। अरे रोने वाली बात मत कहिएगा, मैं रो नहीं रही हूं। मैं तो कुछ बोला ही नहीं, लेकिन आपकी शक्ल तो रोंदू लग रही है। ठीक कह रहा हूं ना मैं? मैंने कहा ना मैं नहीं रो रही हूं। देखिए मेरा मकसद आपको रुलाने का नहीं था। आप प्लीज चुप रहेंगे? ये क्या, ये सूप आपने अभी तक खत्म नहीं किया? इस सोनी को क्या देख रहे हैं आप? नहीं ये हाँ मैं इसको मैं पी रहा हूं। एहसान नहीं करेंगे आप पी के, आप ही का भला होगा। वैसे भी आप पटेल नगर की मदर टेरेसा हैं। क्या कुछ कहा आपने? जी नहीं, बहुत बढ़िया सूप है, लवली। देखो प्रीतम प्यारे तुमसे कौन मिलने आया है। एक मिनट, बिल्कुल मत पूछना कि मैं कैसा हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ऑलराइट चलो ऊपर चलते हैं, वहीं बात करेंगे। अरे ऊपर कैसे जाओगे यार, यहीं कमरे में चले जाओ। ठीक है आओ। तू
यहाँ अंदर? वो भाई वो तो बहुत फास्ट जा रहा है। क्या मतलब है बेटा? कुछ नहीं भाई, मैं ये कह रहा था कि तू इसी कमरे में एक रस्सी फिक्स कर ले कपड़े सुखाने के लिए। चड्डी। अरे क्या बात है नितिन, आप बड़ा आपस में हंस रहे हो। नहीं, वो प्रीतम को रस्सी बांधनी है यहाँ अपने कपड़े सुखाने के लिए। अबे तेरी तो। अबे प्रीतम प्यारे आराम से यार, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो तुम। एक्शन ज्यादा मत करो। थैंक यू बॉस। प्रीतम का ध्यान रखने के लिए आप लोग इसे घर के अंदर लेकर आए, सच में बड़ा अच्छा लगा यार। अरे कोई चक्कर नहीं है नितिन बीरे, वो क्या है ना, मेरे करण भाई कहते थे जिसमें दया भावना हो ना वो इंसान नहीं। क्या बात है कबीर, एक मिनट सुन, काम कैसे चल रहा है? पता चला कि कौन सी मेन पार्टी थी उस डील में? काठी स्टील वाले लग रहे हैं अभी तक तो। और कॉन्ट्रैक्ट किसने उठाया था? पता नहीं चल पा रहा है, लगता है कोई नया प्लेयर है। ओ यार क्या बड़ी बड़ी डील की बातें कर रहे हो यार, मुझे भी एक आध दो डील दिलवा दो प्रीतम प्यारे। अरे कबीर अभी जाना यार तू। ओ हेलो, ये मत बोलो कमरा मेरा ही है। अच्छा सॉरी, अभी मैं काम कर लूं अपना प्लीज। अच्छा कोई चक्कर नहीं है, आप लोग अपना काम कंटिन्यू करो, मैं अभी अपना काम करता हूँ जो करने आया हूँ। इसको छोड़, राठी सील का क्या करना है? अभी कुछ नहीं, रुक जा। गलती से भी राठी स्टील का कोई शेयर टच भी मत करना, पहले जरा मार्केट को समझने दे। ओए प्रीतम प्यारे, यार ये शेयर मार्केट में काम कैसे होता है यार, मुझे भी समझा दोगे? बाद में, मैं अभी अपना काम कर लूं। अरे यार भड़क क्यों रहो प्रीतम प्यारे, मैंने तो बस पूछा ही है ना। देखो भूलो मत, ये बेड मैंने तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस किया है। थैंक यू। फोन आ रहा है, देखो बेला नहीं हूं मैं। अब आप लोग अपना काम कंटिन्यू करो, मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है? वो मुस्कान, मुझे किसी से मिलना है, मैं नहीं आ पाऊंगा। ये लौंडा सही है तेरे लिए। अच्छा तेरे साथ भिजवा दूं? छोड़ना यार, राठी का क्या करना है? अभी कुछ नहीं, पहले उस आदमी का पता कर जिसने मुझ पे अटैक किया था। राठी को तो लॉकअप में घुस के मैं कभी भी तोड़ सकता। बातें तो बड़ी बड़ी, काम तू है तुझे कीड़ों लग मार रहा था तू तो। अगले साल आज के दिन वाकई डेथ एनिवर्सरी मनेगी हो भाई जी। वो चुप, एक आदमी ना मारा जा सके तुझसे, ऐसा कर तू बोरिया बिस्तर उठा के ना गाँव जाके खेती कर ले। अटैक तो बहुत बढ़िया किया था, पर वो दोनों लौंडे आगे बीच में, पर आप चिंता ना करो, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा। कुफसिस्टा मरे रिजल्ट चाहिए, मुझे उस प्रीतम चौधरी की लाश देखनी है। कुछ भी बोल यार, ये लोग बहुत अच्छे, पर ना कोई अपने किरायेदार का इतना ख्याल कहाँ रखता है। हाँ भाई तू कुछ दिन ना इधर ही रुक, ऊपर बरसाती में जाएगा ना फिर से खाना बनाना पड़ेगा तुझे, और यहाँ सब सेट है यार। अबे तेरी सुई एक ही जगह क्यों अटकी रहती है भाई? आंटी को छोड़ यार, अभी तो कुछ दिनों के लिए यही अंदर है, तेरी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। अरे निकाल उसको अंदर से बाहर, उससे कूजा हो उससे बाहर निकाल के नौ से गोली मार दे बस। कैसे लाऊं भाई जी, वो अंदर फैमिली के साथ में है, डॉक्टर को दिखाने भी नहीं निकल रहा हूं, एक बार अब की बार बाहर निकलने तो गोली मार दूंगा पक्का, वादा है मेरा। तेरे पैर में की मेहंदी लगी हुई है, तू खुद अंदर जा और अंदर जाकर उसे गोली मार दे, मुझे प्रीतम चौधरी की लाश देखनी है। और हाँ, वहां वो औरत भी रहती है जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, तू कुछ ऐसा उस औरत और उस बच्चे के साथ कर के वो प्रीतम चौधरी चूहे की तरह बिल से खुद ब खुद बाहर आ जावे, और उस प्रीतम चौधरी को मारने के लिए ना उस औरत और उस बच्चे को भी खत्म करना पड़े तो खत्म कर दे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।